पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक बार फिर लैंड जिहाद को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढे, जंगलों की आग, बेरोजगारों की नौकरी और 24 घंटे बिजली, नलों में पानी जैसे बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं, फिर भी सरकार का इन पर कोई ध्यान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरि सेवा आश्रम के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने लैंड जिहाद को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के गड्ढे से लेकर पानी की समस्या तक कई सारे जिहाद हैं, फिर भी धामी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पूर्व में साधु संतों द्वारा हरिद्वार से किसी संत को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की मांग का स्वागत किया। हरीश रावत ने कहा कि संतों की मांग बहुत अच्छी है, यदि साधु संत भाव के साथ कांग्रेस पार्टी के पास आएंगे और एक स्वर में टिकट मांगेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। भैया मैं तो आजकल सड़क जिहाद में हूँ, सड़कों के गड्ढे भर जाएं, आग बुझ जाए, जो जंगलों में आग लग रही थी प्रकृति ने बुझा दी, बड़े आभारी हैं। हम कह रहे हैं कि नलों में पानी आ जाए, बिजली 24 घंटा मिल जाए, लड़कों को नौकरी मिल जाए, महंगाई घट जाए, हमारे लिए बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के, आम आदमी के कल्याण के लिए ज़रूरी हैं, हम उन पर लगे हुए हैं। बाकी उनको उनको उनके जिहाद मुबारक हों। साधु संत यदि एक भाव से कहेंगे हमारी पार्टी के पास आएंगे तो सारे साधु संत कहेंगे भाई, नए पार्टी से कहेंगे कि भाई हम ये कह रहे हैं इनको दे दो, तो हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, हम औरों की बात कैसे कहेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।